जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब, मैं हूं डायनामैक्स और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ट्रेनर कैनियन में आप लोग टीएम्स कैसे ले सकते हैं, सारे तरीके जिनसे आप टीएम्स ले सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और अगर मेरे साथ ये गेम खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ये गेम खेल सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा भाई, तो कुछ ही टाइम में आपके पास भी काफ़ी सारे शानदार टीएम्स हो जाएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ फ्रेंजी प्लांट, मिस्ट बॉल और भी काफ़ी सारे तगड़े टीएम्स हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इस वीडियो पे लाइक एम है भाई लोग 300 लाइक्स का। तो भाई जो पहली ट्रिक है टीएम्स के लिए भाई, वो है हमारा विक्ट्री रोड। भाई विक्ट्री रोड सबसे सही जगह है टीएम्स के लिए, क्योंकि हर विन पे आपको एक टीएम शार्ड मिलता ही मिलता है, और इसी तरह 14 विक्ट्री पे 14 शार्ड्स, और लास्ट वाली जो है उसे जीतने पे हमें एक पूरा का पूरा टीएम मिलता है। तो भाई जो लोग विक्ट्री रोड कंप्लीट करते हैं, स्पेशली उनके लिए कि भाई आप लोग बहुत तगड़ा काम कर रहे हो, काफ़ी सारे टीएम्स मिल चुके होंगे आप लोगों को तो अभी तक। तो चलो हम लोग भी देखते हैं, लास्ट वाले में मिला था सैंड टूम, इस वाले में कौन सा टीएम शार्ड मिला है, इस वाले में ट्रिक रूम, और इसमें मिला है वैक्यूम वेव। तो भाई 20 टीएम्स की चिप्स में हमें एक टीएम मिल जाता है। इस वाले में क्या निकला देखा नहीं मैंने, नेक्स्ट वाले में देखते हैं भाई, बाउंस, चलो सही था यार ये। और क्या मिला है हमें यहाँ, सका पंच, इस वाले में देखते हैं, इसमें गीगा इंपैक्ट मिल गया यार। और यहाँ इनग्रेन की चिप मिल गई है। नेक्स्ट में हमें मिला है बाइड, और इस वाले में लस्टर पर्ज, बहुत सही यार। वेकअप स्लैप सोते हुए अपोनेंट्स को उठा देता है, और ये प्रोटेक्ट की चिप मिली, और मैग्नेट बॉम्ब का पूरा टीएम, मतलब विक्ट्री रोड पे हमें टोटल 15 टीएम्स की चिप मिलती हैं और एक पूरा टीएम। भाई बहुत तगड़ी जगह है यार विक्ट्री रोड, अगर आप डेली कंप्लीट कर रहे हो ना तो आपके पास तो यार अब तक काफ़ी सारे टीएम्स हो गए होंगे यार। और यहाँ जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 20 टीएम्स की चिप अगर हो गई हैं तो इन्हें कंपाउंड करके हम एक टीएम बना सकते हैं, बहुत सही यार। तो भाई लोग बढ़ते हैं हमारी अगली ट्रिक की तरफ। हमारी अगली ट्रिक भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो है बाउंटी क्वेस्ट में से। भाई बाउंटी क्वेस्ट में भी कभी कभी टास्क आते हैं जिन्हें कंप्लीट करने पे हमें एक टीएम का बॉक्स मिलता है, और भाई इसमें काफ़ी शानदार टीएम्स होते हैं यार। तो इस बार हमें टास्क मिला है विक्ट्री रोड पे 3 ट्रेनर्स को हराने का, तो चलो आते हैं 3 ट्रेनर्स से बैटल करके। तो भाई यहाँ ये तीसरे ट्रेनर का आखिरी पोकेमॉन है, और यहाँ हमने हमारा टास्क कंप्लीट कर दिया है बाउंटी क्वेस्ट का। इसका बॉक्स ओपन कर लेते हैं, इसमें से भी कोई ना कोई चिप मिल जाएगी। फेदर डांस निकला इसमें से, बढ़िया। तो भाई आप लोगों का फेवरेट टीएम कौन सा है यार, कमेंट करके बताओ। और अगर कोई सा और तरीका है जिससे टीएम्स मिलते हैं और मैंने मेंशन नहीं किया है तो उसे भी कमेंट करके बताओ भाई, सब लोगों को पता चलना चाहिए यार और कौन कौन से तरीकों से टीएम्स मिल सकते हैं, क्योंकि भाई टीएम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस गेम में, क्योंकि जिस पोकेमॉन के पास जितने स्ट्रॉन्ग अटैक्स होंगे वो उतना ही तगड़ा रहेगा। और आप लोग देख सकते हैं भाई यहाँ पे इसमें क्रिस्टल्स भी मिल सकते हैं, और अगर लकी हुए आप तो स्वॉर्ड डांस टीएम भी मिल सकता है यार, और क्रिस्टल्स भी कम नहीं, 500 क्रिस्टल्स मिलेंगे इस बॉक्स को ओपन करने में अगर किस्मत हुई तो। चलो बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो भाई जो अगली ट्रिक है वो है
बैटल सेंटर से रिलेटेड। तो बैटल सेंटर आप जितनी बैटल जीतेंगे उतने आपको ये वाउचर्स वगैरह मिलेंगे, और उससे आप पीवीपी स्टोर से टीएम्स परचेज कर सकते हैं। और भाई पीवीपी स्टोर में भी काफ़ी शानदार टीएम्स आते हैं यार, कई कई बार तो मज़ा ही आ जाता है। इस बार भी ठीक ठाक ही टीएम्स हैं, टिकल है, चार्ज भीम भाई अच्छा टीएम है, स्पेशल अटैक इंक्रीज कर देता है, बाकी वरी सीड है, अपोनेंट को सोने नहीं देता। चलो अगली ट्रिक देखते हैं। तो भाई अगली ट्रिक है वीआईपी परचेस की। काफ़ी सारे इवेंट आते हैं जिनमें अगर आप पैसे स्पेंड करते हैं या कुछ ना कुछ परचेस करते हैं तो आपको काफ़ी धांसू टीएम्स मिल सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ड्रैगन सोल रोर टीएम, ये जो है रिक्वेजा का सिग्नेचर मूव है और बहुत तगड़ा टीएम है भाई ये, लेकिन इसके लिए पे करना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा, जिसका मैं सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। भाई गेम में पैसा इन्वेस्ट मत करो यार, पैसा वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 50% चांस देता है ये टीएम अपोनेंट को पैरालाइज करने का, बहुत तगड़ा है यार। इसके बाद जो अगली ट्रिक है भाई वो है हमारे एडवांस कैप्सूल की। इसमें से भी कई बार टीएम्स और टीएम्स की चिप्स निकल जाती हैं और उनमें भी आपको काफ़ी बार शानदार शानदार टीएम्स मिल सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर एडवांस कैप्सूल ओपन करते हैं और विक्ट्री रोड कंप्लीट करते हैं तो आपको काफ़ी सारी टीएम्स की चिप्स मिल जाएंगी, जिनको आप कंपाउंड करके टीएम्स बना सकते हैं और अपनी टीम की पावर बढ़ा सकते हैं भाई। चलो बढ़ते हैं अगले ट्रिक की तरफ। तो भाई जो अगली ट्रिक है उसके लिए आपको ऑलरेडी थोड़े बहुत टीएम्स रखने पड़ेंगे, क्योंकि ये ट्रिक है टीएम एक्सचेंज की। आप चार टीएम्स यूज़ करके एक टीएम बनाएंगे और वो टीएम कुछ भी हो सकता है। तो ये ट्रिक भी थोड़ी रिस्की है, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन सा टीएम से कौन सा टीएम मिलेगा हमें, तो काफ़ी बार काफ़ी अच्छे टीएम्स वेस्ट भी हो जाते हैं इसमें। तो अगर आपको लगता है कोई टीएम बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आपका, तो आप उसे कभी कंपाउंड मत करिएगा टीएम एक्सचेंज में। और लगता है कोई टीएम ऐसा ही है, मतलब काम में आने वाला नहीं है, तो उसे यूज़ कर लीजिए, मे बी आपको तगड़ा टीएम मिल जाए। तो भाई जो हमारी लास्ट ट्रिक है वो भी रिलेटेड है कहीं ना कहीं विक्ट्री रोड से। और भाई विक्ट्री रोड जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कई बार आप लोगों को विक्ट्री रोड के एंड में एक बंदा मिलता है पोकेमॉन स्मगलर नाम का, या बंदी मिलती है। और भाई ये भी कई बार बहुत शानदार टीएम्स सेल करती है, जिन्हें आप कॉइन्स से परचेज कर सकते हैं। कॉइन्स तो यार सबके पास काफ़ी सारे रहते ही हैं, तो ये भी एक अच्छा तरीका है। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, और इस बार लाइक एम कंप्लीट करवा दो यार, प्लीज़ यार, 300 लाइक्स का एम है, ज़्यादा नहीं है, प्लीज़ लाइक एम कंप्लीट करवा दो। मिलते हैं अगली बार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।